आज हम बनाने वाले हैं आलू की कचौरी, जो खाने में काफी टेस्टी होती है। तो ये हमने पहले से आलू उबाल के रखे थे, इन्हें हमने छील लिया है। 2 मीडियम साइज के प्याज, हरा धनिया, 1 अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, ये हमने आधा किलो आटा लिया है, ये गेहूं का आटा है। इसमें हम थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे नमक, मोयन के लिए डालेंगे 1 चम्मच तेल। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसका हमें डोट तैयार करना है, सॉफ्ट सा डोट तैयार करके रख लेना है। डो हमने तैयार कर लिया है, देखिए इस तरह से सॉफ्ट डो तैयार करना है। अब आलूओं को हम कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें तोड़ सकते हैं हाथ से, कद्दूकस करने से गुठलियां नहीं रह जाती हैं। कढ़ाई में हमने 1 चम्मच के करीब में तेल डाल दिया है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग, जीरा चटक गया है, इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, 2 हमने प्याज लिए थे रफली चॉप कर लिए हैं वो डाल देंगे, स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक, प्याज को हल्का सा गोल्डन कलर आने देंगे। प्याज हल्का सा गोल्डन कलर के हो गए हैं, इसमें हम ऐड करेंगे मसाला। तो हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, मैगी मसाला 2 चम्मच, चाट मसाला 1 बड़ा चम्मच, सभी मसालों को इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम स्लो कर देंगे, स्लो फ्लेम पे इसे हम थोड़ी देर भूनेंगे। मसाला अच्छे से भुन गया है, इसमें हम डाल देंगे आलू कद्दूकस किया हुआ, तब अच्छे से मसालों के साथ दो से 3 मिनट हो गया है, अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया, हरे धनिया को मिक्स कर देंगे। स्टफिंग तैयार हो गई है, इसे हम निकाल लेंगे एक थाली में, ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम कचौड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने एक लोई ली है, इसे गोल करेंगे इस तरह से, थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे हाथ पे। अब जो ये फिलिंग तैयार की थी वो हम इसमें भर देंगे इस तरह से। अब इसे इस तरह से हाथ की सहायता से हम बड़ा कर लेंगे इस तरह से। आप बड़ी या छोटी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इस तरह से हमने कचौड़ियाँ बना के तैयार कर ली हैं। इधर तेल गरम हो गया है, एक एक कचौड़ी करके हम डाल देंगे तेल में। कचौड़ियों को हम उलट पलट के गोल्डन कलर आने तक इन्हें हम पका लेंगे। कचौड़ी गोल्डन कलर की हो गई है, इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। आलू की कचौरी बनके तैयार है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसी बनी है।